आप कैसे देखते हैं गोल्ड को? एक तो पहले वही कि आपका टारगेट क्या है अब गोल्ड का, जैसे किशोर कह रहे हैं कि टाइमलाइन छोड़ दो, खाली प्राइसेस की बात करते हैं, तो आप कहां तक देखते हैं एक रेजिस्टेंस अब बनता हुआ सोने में? मनीषा, 1460 is what in dollar terms the COMEX price is, and currently 2400 is the spot gold. फंडामेंटल कारण बहुत ही जो किशोर ने बताया वो बिल्कुल सही है. आई थिंक द जियो पॉलिटिकल कंसर्न्स हैव बूस्टेड द अपील ऑफ गोल्ड, और आई वुड से पर्टिकुलरली इन द लास्ट वन और टू वीक्स इरानियन एम्बेसी पे जो एक अटैक हुआ इसराइल से, वो एक बहुत बड़ा एक जियो पॉलिटिकल फैक्टर बन गया, जिसकी वजह से द रिस्क अवर्स एसेट्स हैव बिकम द टॉक ऑफ द टाउन. 2400 is something which I think should be the high. इससे 150-100 डॉलर की मंदी देखी जा सकती है. Inflation numbers are still high in the US. तो जो Fed की दरों की बात थी कि जून वाली मीटिंग में हो सकता है मॉनिटरी लूजन पॉलिसी हो, वो हो सकता है कि अब ना हो, तो जुलाई या अगली उससे अगली मीटिंग में जाए. पर एक बात तय है कि इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए इस बार ही, इस मतलब कि सेकेंड हाफ ऑफ दिस कैलेंडर ईयर, there would be two rate cuts by the US one, but I think that has already been discounted. So 2400 would be the pivot as of this particular moment for gold. Indian market 72,800 के आसपास, MCX का भाव है 72,800 के आसपास. मुझे लगता है कि तकरीबन 3-4% की गिरावट आनी चाहिए, and that would be the right time to accumulate gold when the markets fall to around 3-4% from. Okay. तो यानी कि हम टॉप के बहुत करीब हैं और 100-150 डॉलर की तेजी यहाँ पर और आ सकती है, और फिर कुछ करेक्शन का इंतजार करना चाहिए, लेकिन उनमें भी खरीदारी करनी चाहिए इज द व्यू राइट नाउ. निशांत, आप चार्ट्स देखते हैं एज ऑफ नाउ, अगर हम गोल्ड और सिल्वर के चार्ट्स देखें नियर टर्म, स्लाइटली लॉन्गर टर्म, क्योंकि 2025 के नंबर्स भी अब तो काफी एनालिस्ट ने बताने शुरू कर दिए हैं, आप क्या नंबर्स, आपके क्या सामने है? हाय, गुड आफ्टरनून मनीषा. गोल्ड का मैं दोनों पैनलिस्ट से अग्री करूंगा. 2400 से 2500 के बीच में गोल्ड थोड़ा कंसोलिडेशन फेज में जा सकता है, क्योंकि काफ़ी फास्ट रैली हुई है 2000 से अगर हम देखें तो थोड़ा कंसोलिडेशन गोल्ड में अब इस रेंज में बनना शुरू हो सकता है. बट सिल्वर की अगर मैं बात करूं तो सिल्वर अभी भी बहुत बुलिश है, क्योंकि सिल्वर काफ़ी सालों बाद एक्चुअली ब्रेकआउट दिया है. अगर हम देखें 26-27 डॉलर का जो ब्रेकआउट जोन था, तो सिल्वर 30-31 पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस है. अगर वो क्लियर होता है तो हम 40 डॉलर की तरफ सिल्वर को जाता देख सकते हैं. तो सिल्वर अभी काफी ज्यादा बुलिश लग रहा है अगर हम गोल्ड के कंपैरिजन में रहें. और अगर हम अगले साल तक की बात करें, इस साल के एंड तक की बात करें, तो 40 डॉलर के आसपास सिल्वर देखने को मिल सकता है. ऑलराइट, तो निशांत, इन दैट सेंस सोने से बेहतर निवेश इस वक्त चांदी में है? हाँ जी बिल्कुल, मैं उसी से ही सहमत रहना चाहूंगा. सिल्वर अभी गोल्ड को आउट परफॉर्म डेफिनेटली कर सकता है इस पर चार्ट. तो 100 में से कितना परसेंटेज सिल्वर में देंगे? 65% सिल्वर, 35% गोल्ड. ऑलराइट, आप कैसे देंगे नवीन? I would put 60-40 Manisha. I think means I have always been saying silver is always a very dynamic commodity. So means don't be just looking into seeing the prices at 85,000 here or $29 in the COMEX. Although the silver high is 49, Manisha, but still I would say 60-40, or even I would say less than 60, 55-45 in terms of, in favor of silver to gold. All right. मैं किशोर से पूछने वाली भी नहीं हूँ, बिकॉज लास्ट टाइम उन्होंने मुझे बोला इस बार लाख के पार. तो आई नो व्हाट किशोर थिंक्स अबाउट चांदी यहाँ पे, लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक का समय